पुस्तक पर 10 वाक्य। पहला लाइन, पन्नू का वह संग्रह जिसमें कोई जानकारी लेख और छवि आदि कुछ भी लिखा या छपा हो पुस्तक कहलाता है। खड़ी पाई। दूसरा लाइन, प्राचीन काल से ही मानव के विकास में पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खड़ी पाई। तीसरा लाइन, पुस्तकें आरंभ से ही तथ्यों सूचनाओं और
नए विचारों का स्रोत रही हैं। खड़ी पाई चौथा लाइन किताबों का अध्ययन हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। खड़ी पाई पांचवा लाइन पुस्तक अध्ययन से हमें नई रोचक जानकारियां सीखने को मिलती है। खड़ी पाई छठवां लाइन अपने खाली समय में किताब पढ़ना समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका है। खड़ी पाई सातवां लाइन
पुस्तक हमारे सच्चे मित्र होते हैं जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। खड़ी पाए आठवां लाइन आज केवल कागज से बने पुस्तक ही नहीं इंटरनेट पर ई पुस्तक भी उपलब्ध हैं। खड़ी पाई नौवां लाइन प्राचीन काल में हाथ से लिखे गए पुस्तकों को वर्तमान में पांडुलिपि कहा जाता है। खड़ी पाई दसवां लाइन जीवन
मैं किताबों की महत्वता को बढ़ावा देने के लिए ९९५ से प्रतिवर्ष २३ अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। खड़ी पाए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको बराबर मिलते रहे। बाय बाय।